चिकन करी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है और इसे 2-3 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अभी हम इसमें डालते हैं नमक स्वादानुसार, इसके बाद हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच, दही 3 से 4 चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते। दही डालने से चिकन बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनता है। अभी हम इसे 1/2 घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देते। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे 1 घंटा भी रख सकते। 1/2 घंटा हो चुका है, चिकन अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, तो अभी हम इसके लिए मसाला बना लेते। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाला है 1/2 कटोरी गीला नारियल, तो इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भून लेते। इसके बाद डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज, इसे भी हम अच्छे से ब्राउन कलर आने तक भून लेते। प्याज का कलर अच्छे से ब्राउन आ चुका है, तो अभी हम इसमें डालेंगे 2 से 3 तेज़पत्ता, 3 से 4 लवंग, 3 से 4 काली मिर्च, इसके बाद 1 बड़ा साइज़ का कटा हुआ बारीक टमाटर, खसखस 1 चम्मच, इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। तो सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेते। टमाटर अच्छे से गल जाने तक हम इसे भून लेते। टमाटर अच्छे से गल चुका है, अभी हम गैस बंद कर लेते और इसमें डालते बारीक कटा हुआ हरा धनिया, गीला नारियल, प्याज, टमाटर, सारी चीज़ों को हम मिक्सी में थोड़ा सा पानी डालकर एकदम बारीक पेस्ट बना लेते। इसके बाद हम गैस के ऊपर रखेंगे 1 बर्तन और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तो चिकन करी बनाने के लिए तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा ही कीजिए। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ता। अभी हम गैस को करेंगे मीडियम आंच पर। इसके बाद हमने जो मसाला पीसा था वो उसके अंदर डालेंगे। तो गैस को मैंने अभी मीडियम आँच पर ही रखा है ताकि मसाला जल ना जाए। इसके बाद डालेंगे हम इसमें चिकन मसाला 1 बड़ा चम्मच, मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। मिर्च पाउडर हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने पहले ही मिर्च पाउडर डाला था। अच्छे से मिला लेते। पानी डालेंगे हम 1/2 कप। तो अभी हम मसालों को तेल छूटने तक 5 मिनट तक भून लेते मीडियम आंच। मसाला अच्छे से भून चुका है और तेल भी छूट चुका है और खुशबू भी बहुत बढ़िया से आ रही है। तो गैस को मैंने अभी भी मीडियम आँच पर ही रखा है। तो अभी हम इसके अंदर डालते चिकन, अच्छे से मिला लेते। पानी डालेंगे हम इसके अंदर गरम, तो पानी हम ज़रूरत के अनुसार डालेंगे। आपको ग्रेवी कैसे चाहिए, ठीक चाहिए या पतली, मैं इसे थोड़ा सा ठीक ही रखूँगी तो इसलिए मैं पानी सिर्फ 1/2 ग्लास डाल रही हूँ। तो शुरू में हाई फ्लेम पर हम इसे एक उबाल आने देते। जैसे ही उबाल आएगा तो गैस को हम करेंगे मीडियम आँच पर और मीडियम आँच पर हम ढक्कन रखकर इसे 10 मिनट पका लेते। तो चिकन पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये 10 मिनट में आराम से पक जाता है। 10 मिनट हो चुके हैं, तो ये देख सकते हैं हमारी ग्रेवी कितनी अच्छे से बन चुके हैं और इसका कलर भी बहुत बढ़िया से आ चुका है। तो इसे पकाने के लिए मुझे सिर्फ 10 मिनट लग चुके हैं मीडियम आंच पर। तो अभी हम गैस बंद कर लेते और चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से सॉफ्ट पक चुका है। अगर आपको मेरा आज की वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।